हे फूडीज, वेलकम टू PB65 किचन। आज हम जो स्नैक बनाने जा रहे हैं वो एकदम खस्ता और कुरकुरा बना है और उसकी फिलिंग बहुत ही मज़ेदार बनी है और घर में बड़े सामान को यूज़ करके हम ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्नैक को बनाने के लिए हमें ब्रेड के जो बचे हुए किनारे हैं, जिनसे अक्सर हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, उनका यूज़ हम करेंगे स्नैक बनाने में। तो उसके लिए हम, चाहे वो किनारे थोड़े सूखे हों या फ्रेश भी हो सकते हैं, हम उनको मिक्सी के जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। अगर सूजी बारीक है तो ठीक है, अगर मोटी है तो उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। 1/2 कप हमने डाल दिया है चावल का आटा। चावल का आटा आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे नमक, 1.5 चम्मच नमक, थोड़ा सा जीरा, 1-2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला। इसको डाल के अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, हल्का सा कलर आ जाएगा उससे अच्छा। अब इनको अब हम एक आटे की तरह गूंद लेंगे। थोड़ा नरम ही आटा लगाएंगे क्योंकि सूजी थोड़ा फूल जाती है तो उससे फिर थोड़ा सा डो हार्ड हो जाता है। तो इसमें जब थोड़ा आटा बन जाए तो उसके ऊपर 1 चम्मच हल्का सा तेल लगा के इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ करके इसको थोड़ी देर के लिए अब हम ढक के रख देंगे। बोल में थोड़ा ऑयल लगा के, आटे के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढक के रख देंगे। 15-20 मिनट ही रखेंगे, उसमें ही अच्छे से एकदम से ये नरम तैयार हो जाएगा आटा। और इतने में अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। 1 चम्मच हमने डाला तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। 2 बारीक कटे हुए प्याज डाले, और प्याज को ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डाले हमने कटी हुई सब्जियां, अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं आप, गाजर, शिमला मिर्च, जो भी आपको, मटर, कुछ भी, कॉर्न्स, जो भी डालने हो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये थोड़े से हल्की नरम हो जाए तो इसमें टमाटर डाल लीजिए, आप पनीर डाल लीजिए, नमक, थोड़ा ऑरिगेनो डाल लीजिए, आप चिली फ्लेक्स डाल लो। ये सारा करके आप इनको अच्छे से मिक्स कर लो। आप जितना नमक या जितना थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप मसाले डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें से आटा लेके अच्छी तरह से हाथ के ऊपर फैला के, उसको बेलने की ज़रूरत नहीं, हाथ से ही, ये नरम है तो इसको हाथ से ही फैल जाएगा। और इसके ऊपर 1-1 चम्मच के करीब, ज़्यादा फिलिंग भी नहीं डालने की ज़रूरत, 1 चम्मच के करीब आप फिलिंग डाल के इसको पेड़े की तरह बना लेंगे हल्के हाथों से। ज़्यादा ज़ोर से इसको दबाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि काफ़ी नरम होता है ये, तो आप इस तरह से इनको हाथों के ऊपर ही इस तरह से थपथपा कर टिक्की की शेप में, मतलब पेड़े से बना लें। और तैयार करके आप इनको रख लें, जितने भी आपको बनाने हों उतने आप तैयार करके इसमें फिलिंग डाल के भर के रख लें। और बहुत ज़्यादा आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उतनी ही फिलिंग बनाइए जितनी आपको ज़रूरत हो, क्योंकि इसमें नमक वगैरह डालने की वजह से ये कुछ टाइम के बाद थोड़ा ढीला हो जाता है मिक्सचर, तो फिर वो थोड़ा बनने में मुश्किल होती है। तो अब आप तेल थोड़ा गर्म कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना तेल आपको, मीडियम आँच के ऊपर उसको थोड़ा तेल को गर्म करके, और उसमें आप अपने ये तैयार टिक्कियाँ डाल दीजिए और थोड़ा ऐसे पलटते हुए इनके ऊपर तेल थोड़ा थोड़ा डालते हुए इनको पलट लीजिए। और आप देखेंगे कि एकदम थोड़े टाइम में ही ये एकदम कुरकुरी सी हल्के हल्के ब्राउन कलर की हो जाएंगी। जब ये हल्की ब्राउन हो जाए और आपको लगे कि हाँ ये सिक गई हैं, तो आप इनको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे या टिश्यू पेपर पे आप एक साइड पे इनको निकाल लीजिए। तो इस तरह आप
बैचेस में जितनी भी आपने बनाई है उतनी तैयार कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कुरकुरी बनी थी ये टिक्कियाँ। आप खुद देखेंगे और खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये बची हुई ब्रेड से और सूजी से ये सब कुछ बनाया है। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।